ये जो कुछ हैगो तो हैगो, लेकिन अब जो है मैं बस अब तेरी शरण में जाऊंगा। मतलब निराश नहीं हूँ, अभी मुझे आशा है कि तुम मुझे अपना लोगे, मेरे पापों को क्षमा कर दोगे और मुझे ग्रहण कर लोगे, इसीलिए जो कुछ हो गया तो हो गया, अब प्रभु और थोड़ा सा कृपा कर दोगे। बस यही इच्छा है, बाकी ईश्वर की इच्छा हो रहा हो जाएगा, मेरी तो हार्दिक इच्छा ये प्रभु, अब तक जो कुछ मैंने किया जो किया, लेकिन अब तक मेरी अंतिम इच्छा है कि सारे संसार से मुक्ति देकर मुझे केवल अपनी शरण में ले लो, और मुझे न मुझे कुछ पुत्रों की पक्षियों धन दौलत किसी को कोई चाहना नहीं रही है, सिर्फ आपके शरण में जाने की परम इच्छा है, तो वो मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, बस इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं आपसे। मेरे मन बुद्धि को वही परिवर्तित करेगा, मैं चाहूँगा मैं ये करूँ मैं करूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये निश्चित मान लीजिए सत्य है बिल्कुल, कि जब तक प्रभु इच्छा नहीं होती तब कुछ नहीं होता है। हम लाख सोचते हैं मैं ऐसा करूँगा नहीं कर पाऊँगा, ये सब होता है प्रभु की परम कृपा से। जब प्रभु की इच्छा होती है कि भाई ये भक्त बहुत याचना कर रहा है, तो उसे सद्बुद्धि और ज्ञान दो, इससे वो जो इधर उधर न भटक के मेरी शरण में आ जाए, तो ये मान के चलता हूँ। ये भी प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा। उन्होंने जो ऋषि मुनियों ने जो कुछ बनाया था वो सभी ज्ञानी और संत थे, महान थे, उन्होंने जो नियम बनाए वो अपने हिसाब से बनाए, लेकिन जहाँ तक भगवान को प्राप्त करने का सवाल है, इसे ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। भगवान भक्ति से प्रसन्न होता है, न इसमें कोई पन होता है, न कोई उम्र होती है इसकी, न कोई बचपन होता है, न कोई बढ़ापा होता है। जब भगवान के प्रति हमारी साधना भक्ति होगी, तो हम बचपन से भी जो भगवान के प्यार हो सकते हैं। इन्हें ये तो उन्होंने एक सामाजिक परंपरा बनाई थी, केवल सामाजिक मर्यादा, न कि भगवान का इससे ज़्यादा संबंध नहीं है। ये तो क्या जाए बच्चों पर अपना सारा कारोबार डाल के और भजन पूजा में लग जाओ, ये तो एक सामाजिक नियम था। जहाँ तक भगवान को प्राप्त करने का सवाल है, वो उनके उम्र पर कोई निर्भर नहीं करता है, हम जब चाहें जब ही भगवान को प्राप्त करते हैं। बच्चे बनते आज पूरा इतिहास उदाहरण, छोटे छोटे बच्चों ने भगवान प्राप्त कर लिया, मीराबाई ने कर लिया, कबीरदास जी ने कर लिया, घर से रहकर मैं भगवान को प्राप्त कर लिया, तो ये चीज़ एक अलग चीज़ है। भगवान भक्ति को प्रेम करते हैं, प्रेम को प्रसन्न करते हैं, न कि ज्ञान को। ज्ञान एक सामाजिक मर्यादा उस दृष्टि से पुरुषों के बनाए हुए बिल्कुल चल सकते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है, लेकिन वो सामाजिक परंपराएं थीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, भक्ति का संबंध ज्ञान से नहीं, प्रेम से ज़्यादा है।